नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त मोबाइल रिपोर्टर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दिया और अपने सभी मंत्री और विधायक को कुशेश्वर स्थान के धरती पर उतार दिए हैं, वहीं अकेले लोजपा अब सब पर भारी पड़ता दिख रहा है। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ एक बार फिर चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी अंजू देवी के रूप में उतारा है। तो वहीं आज खुद कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लराच, वनझूला, मोहिन और बेर चौक के साथ साथ विभिन्न गाँव में खुद चिराग पासवान ने जनसंपर्क अभियान के दौरान पानी में और तेज बारिश में भी भींगते हुए बिना रुके बिना थके लोगों से मिलने चले गए और अपने प्रत्याशी अंजू देवी के लिए वोट की अपील भी की। साथ ही लोजपा के उम्मीदवार अंजू देवी के साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व प्रत्याशी गौराबोराम के राजीव ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे, वहीं सभी प्रखंड अध्यक्ष भी साथ साथ रहे। वहीं चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मुद्दा है उसको लेकर काफी गंभीरता से लोगों के बीच रखे और लोगों से इस बार विजय बनाने की अपील भी किया और लोगों से ये कहा कि इस बार अगर हमारी जीत सुनिश्चित होती है तो मैं आगे आपके जो वादा किया हूँ उसको पूरा करके भी दिखाऊंगा।